नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। रजरा क्षेत्र के ग्राम सभा जाम निवासी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव व भारत नौजवान क्रांति सभा संस्था के केंद्रीय संयोजक जावेद अंसारी जाम ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना जन्म दिवस गरीबों यतीमों के बस्तियों में शिक्षा के बढ़ावा हेतु कॉपी पेन किताबें व चॉकलेट बांट कर अपना जन्म दिवस मनाया। अपने वक्तव्य में बोलते हुए वरिष्ठ समाज सेवी ने कहा कि साल में 2 बार हमें किताब देने से हम बच्चों को बहुत सहयोग नहीं करते, परंतु बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित जरूर कर सकते हैं। रजरा क्षेत्र के ग्राम सभा सुलुई दलित बस्ती व छितौनी ग्राम सभा के साई बस्ती में यह कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक डॉक्टर बब्बन राम, सूर्यकांत यादव, आस मोहम्मद, अंशुराज पर, अभय यादव, प्रकाश भारती, अमित जॉन, तुनमुन, सोनू कुमार, मोनू कुमार, विनय कुमार, अमरनाथ राम, गुड्डू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। R9 भारत के लिए निहाल अख्तर की रिपोर्ट। रसड़ा थाना क्षेत्र के छितौनी गांव स्थित एक पोखरे में शुक्रवार की दोपहर लगभग 2 बजे एक युवक की तैरते हुआ शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। मृत युवक की पहचान ग्राम सभा छितौनी निवासी 40 वर्षीय महात्म राजभर पुत्र स्वर्गवासीय भागीरथ के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार छितौनी रेलवे लाइन के किनारे पोखरे के समीप से होकर लोग गुजर रहे थे, इसी बीच पानी में शव देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। युवक का शव देखकर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंचे सिटी इंचार्ज अखिलेश मौर्य ने ग्रामीणों के सहयोग से सबको पोखरे से बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने महात्म के रूप में पहचान लिया जो देर रात से घर से गायब था। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक ब्लॉक में बीते कई वर्षों से झाड़ू पोछा एवं पानी पिलाने का काम करता था। मृतक देर रात घर से निकला लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। उसके बाद परिजनों ने रात में ही खोजना प्रारंभ कर दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ के बाद आवश्यक छानबीन में जुट गई। R9 भारत के लिए निहाल अख्तर की रिपोर्ट। किसानों की नेता पूनम पंडित ने भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। सीतापुर के महोली थाना अंतर्गत किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि किसान नेता पंडित पूनम रही। महापंचायत में हजारों किसान आकर हिस्सा लिया और पूनम पंडित ने कहा, भाजपा सरकार में किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। किसानों की समस्या को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 2022 में हम सबकी शान इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और किसानों की समस्या को लेकर SDM महोली को लिखित ज्ञापन दिया गया। जो भी समस्याएं किसानों की हैं उसका तुरंत समाधान किया जाए, नहीं तो किसान रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पीदर सिंह साधु तमाम किसान मौजूद कार्यकर्ता मिलकर के विशाल मीटिंग संपन्न की गई। इसी पूर्व इसी बीच पूर्व विधायक अनूप गुप्ता विधानसभा महोली मौके पर रहे मौजूद। आप देख रहे हैं R9 भारत से तहसील संवाददाता प्रेम किशोर की रिपोर्ट। R9 भारत के लिए प्रेम किशोर की रिपोर्ट। अकोला में हनुमान जी का बड़ा मंदिर उधर थोक अकोला में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 40 प्रकार की जांचें कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा मात्र 100 रुपए की गई। आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे से कैंप का आयोजन शुरू कर दिया गया था। जैसे ही कैंप शुरू हुआ लोग भी बड़ी संख्या आना शुरू हो गए। लोगों से R9 भारत के संवाददाता ने कैंप के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यह बहुत सराहनीय कार्य है जो गरीबों की मात्र 100 रुपए में हेल्थ की जांच मिल रही है। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता कि शहर जाकर अपनी अच्छी अस्पताल में जांच करा सके। पैसे के अभाव में लोग अपनी जान दे बैठते हैं। यहाँ पर मात्र 100 रुपए में जांच मिल रही है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि गरीबों को सस्ता इलाज व सस्ती जांच मिले, इसी पर हम कार्य कर रहे हैं R9 भारत के लिए। ये कैंप जो लग रहा है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं इसे? इस कैंप से ऐसा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं आगरा जैसे, यहाँ उन्होंने सुविधा दी है, यहाँ दिखा सकते हैं, बीमारी का बढ़िया उपचार कर रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं, सस्ते में दवाई दे रहे हैं। फीस वगैरह ले रहे हैं ये लोग? फीस वगैरह 100 रुपये इनकी फीस है। किनके द्वारा लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया मेरे को जानकारी नहीं है। आप बताएं किनके द्वारा लगाया जा रहा है कैंप? कौन नहीं मालूम भाजी, आप बताएं कृपया कैंप किनके द्वारा लगाया जा रहा है? सहदेव द्वारा, BDC जिला पंचायत सदस्य के द्वारा सेवा की जा रही है। सर आप बताएं, यहाँ पर हम गांव की सेवा के लिए आयुर्वेदिक कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी
कोरोना काल चल रहा है, लोगों को पैसे नहीं है, धन का अभाव है, बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों के इलाज के लिए मात्र 100 रुपये में हम 40 तरह की जांच करा रहे हैं जी। और गांव में स्थानीय निवासियों को यहाँ पर सुलभ इलाज आयुर्वेदिक माध्यम से, क्योंकि एलोपैथी में बड़ी दिक्कतें हो रही है, महंगी दवाइयाँ हैं, लोग कहाँ या गाँव से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो घर घर इलाज की सुविधा लेके हम यहाँ पर आए। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए और कोरोना काल के पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें कैंप का आयोजन कर रहे हैं और जनसेवा की हैसियत से हमें आ रहे हैं। सभी का बड़ा सहयोग मिल रहा है, इसमें जिला पंचायत सदस्य माननीय अरविंद शाह प्रिंसिपल साहब ने और BDC सदस्य हमारे शहरी जी ने, उनका बहुत सहयोग है, उन्होंने कभी रिक्वेस्ट करी हमसे तो हम उन्होंने गाँव अपनी टीम के साथ यहाँ आए और गरीब लोगों को। कितने लोग हैं टीम में आपकी? हमारी टीम में 11 लोग हैं, करीब 11 लोग हैं, सभी हैं, मशीनें हैं, साइंटिस्ट हैं। 40 तरह की रिपोर्ट हम यहाँ पर मात्र 100 रुपये में सभी को उपलब्ध करा रहे हैं, जो सुगम तरीके से हो सकता है उसके लिए सेवा करते हैं। थैंक यू। अरविंद लवानिया की रिपोर्ट, कोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।